नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दांगी एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में जैसा आपको काफी समस्याएं आ रही थी, गेस्ट फैकल्टी का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसमें चॉइस फिलिंग की समस्या आ रही थी, तो मैं आज आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एक मैं लाइव एग्जांपल बताऊंगा। कुछ तकनीकी इशू थे जिस वजह से समस्या आ रही थी और बहुत सारे लोग उस चीज को समझ भी नहीं पा रहे थे, तो हम अभी लाइव एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों, अगर और भी आपके फ्रेंड हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट तक मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन में भी काफी लोगों को कुछ समस्याएं आ रही थी कि हमको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में पीजी डीसीए होगा या स्टेनो हिंदी में, काफी समस्याएं आ रही थी। तो हम इस पूरे वीडियो में जो भी कमेंट्स में जो समस्याएं बताई थी लोगों ने, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी समस्याएं सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, क्या करना है आपको? आपने जैसे अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपको फिर से वही आधार नंबर आपको रेडी रखना है। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं सीधा उसी पे जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे। आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो फिर आपको यहाँ जाना है, आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपका जैसे ही होम पेज खुलता है ना, ये होम पेज में ग्रीवियंस के पास गेस्ट फैकल्टी करके ऑप्शन है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ये पेज खुलेगा। क्लिक करके जो मेरा जो एरो बना है ना, हाथ देख रहे हैं आप, कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो आप कहाँ जाएंगे? अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको चार फील्ड दिख रहे हैं। आप अपना नाम भरेंगे, 10th क्लास की ट्रायल ना करें, आप अपने कागज रेडी रखें, आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, और आधार वेरिफिकेशन भी होगा जब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं गवर्नमेंट आई, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें। ये चीजें आप जैसे ही डालेंगे तो आपको डालते से ही क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, लॉग इन आईडी आपका, जो मोबाइल नंबर जो पॉपअप विंडो दिखेगी वो पासवर्ड को आप नोट डाउन कर लेना अपने एक पेज में, कैपिटल स्मॉल में जैसे भी है, आपको वो पासवर्ड जरूरी है समझना। फिर आप कहाँ जाएंगे? जैसे ही आपको पासवर्ड मिलता है, जैसे देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये इस तरीके से पासवर्ड आया, फिर मैंने पासवर्ड और वो डाला, और इसके बाद में अब आगे बढ़ जाता हूँ। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा, और एक और आप समझ लीजिए कि एक जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही जोन चुनेंगे, आप देख लीजिए ये एप्लीकेशन खुल गया, मैंने डिटेल सारी भरी। एक्सपीरियंस के नीचे ये लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। ये हो सकता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1-2 घंटे तक ये वाला जो है ना लॉक वाला ऑप्शन नहीं दिखता होगा वर्क एक्सपीरियंस के नीचे। और ये क्वेश्चन ये भी आया था, अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या हमने सीटीआई एटीआई से कोई भी नहीं किया हुआ है, तो वो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाली बेसिक क्वालिफिकेशन भरेंगे, या आप इस पे जाएंगे और बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद आप डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैंने क्या करा है, बेसिक डिटेल मैंने जैसे ही भर दी थी उधर है। आप यहाँ तो मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप उनमें देख लें, अपलोड की जी साइज दी हुई है मोबाइल में, जैसा फोटोशॉप एक है तो आप उस वहां से देख लें कौन सी ऐप है वो। आप 4-5 MB की ऐप है, उससे आप डायरेक्ट फोटो इसी साइज में बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फोटो अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको ये क्वालिफिकेशन दिखेगा। क्वालिफिकेशन आप बहुत अच्छा आसानी से भरें। क्वालिफिकेशन में आप सबसे ऊपर भरेंगे क्या, 10th क्लास की डिटेल लिखा है, हाई स्कूल 10th। फिर उसके नीचे जस्ट 12th क्लास की डिटेल भरनी है आपको। 12th क्लास में आपको बोर्ड डालना है, बोर्ड एमपी बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग अगर वो है ठीक है, आप अपना रोल नंबर अच्छे से डालें, जो भी रोल नंबर है ये मैं भर चुका हूँ पहले, ये आप बार बार अभी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर लॉक के पहले आप कोई भी चीज आप डाल रहे हैं तो आप भर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए 12th की जानकारी भरने के बाद, अब आईटीआई आप, अब एक चीज आप यहाँ क्वालिफिकेशन भरते समय बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पहले आप वैकेंसी देख लें, आपको वैकेंसी यहाँ से भी दिखती है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना वैकेंसी डिटेल, तो आप यहाँ से जोन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप वैकेंसी यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप सन के हिसाब से। अभी देखिएगा मैं ये सारी जानकारी भरने के बाद क्या करता हूँ, तो आप ये देखिएगा, अगर मैंने देखिए एक आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने बीसीए किया हुआ है, सपोज बीसीए करने के बाद आपने सपोज वेल्डर ट्रेड से आईटीआई भी किया हुआ है, अब आईटीआई की जो पोस्ट निकली है वेल्डर की भी निकली हुई है और कोपा की भी, जो बीसीए जिनने किया हुआ है वो कोपा में अप्लाई कर सकते हैं, पीजीडीसीए किया है वो भी कोपा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपने ट्रैक्टर से भी आईटीआई कर रखा है, वेल्डर से भी कर रखा है, तो आप दो दो जगह आईटीआई का है, वो आप अलग अलग चीज हो जाएंगी। लेकिन आपने हायर एजुकेशन में अगर आपने एक आईटीआई की विषय में आपने भर दिया,
अब मान लीजिए आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रीशियन से करने के बाद हो सकता है ग्रेजुएशन करने के बाद आपने पीजीडीसीए भी कर लिया है, तो अब आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी भर सकते हैं पीजीडीसीए से, कोपा के लिए भी भर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है मैकेनिकल से, तो दोस्तों ये देख लीजिए, अगर किसी ने एक्सपीरियंस मतलब फिटर में अगर 1 साल पढ़ाया है या ट्रैक्टर में पढ़ाया है, तो एक्सपीरियंस उसका सभी का जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए अगर आप फिटर में अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर का एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, बशर्ते आपने डिग्री या डिप्लोमा के बेस में आपकी जॉब लगी हो आईटीआई में। जैसे आपने मैकेनिकल की आपने डिग्री जो पिछले आपने गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम किया था, तो आपने क्या करके किया था गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम, आपने मैकेनिकल के बेस पे काम किया था। जब आपने मैकेनिकल ब्रांच से आपने फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे आपको मान लेते हैं फिटर मिल गया था, तो आपने फिटर का 1 साल पढ़ाया, आपको एक्सपीरियंस हो गया फिटर का, अब आप मशीनिस्ट या टर्नर में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिटर का एक्सपीरियंस के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी जो आईटीआई करते हैं अगर ट्रैक्टर से कराए तो वो ट्रैक्टर में ही अप्लाई करते हैं, तो वो आगे ये चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो आप एक्सपीरियंस में टेंशन ना लें, बेल्डर में अगर 1 साल पढ़ा है 1 साल फिटर में, और आपने ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए अगर फॉर्म डाला है, तो आपके चार चार आठ नंबर आपको वैकेंसी में जुड़, आपके एक्सपीरियंस के जुड़ जाएंगे, स्कोर में जुड़ जाएंगे। एक और यहाँ पर क्या क्वेश्चन लोग बाग एक उसमें ये भी बोल रहे थे मेरे से कि सर वो ये स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो आप एक बार और समझ लिया। आपके जैसे परसेंटेज 80% है आपके आपके क्वालिफिकेशन में, आईटीआई में या डिग्री में या डिप्लोमा में, जिस बेस पे आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो उसका 70% निकालेंगे। 80 का 70% होता है 56, और आपके एक्सपीरियंस के जोड़े जाएंगे नंबर, और फिर उसके बेस पर मेरिट बनेगी, और मेरिट जारी होगी, चयन सूची जारी नहीं होगी। मेरिट में आप देख लें पहले नंबर पर नाम है आपका, जिस आईटीआई में पर्टिकुलर ट्रेड में, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं अभी, हमने जैसे अभी देखिए, अभी ये क्या पूछ रहा है कि ये भरना जरूरी है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं हमारे पास, ये हम खाली छोड़ देंगे, नेक्स्ट कर जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये कोई सोच रहा था कि जब किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भर सकता है क्या? 100% भर सकता है फॉर्म। अब आप देखिए, मैं नेक्स्ट करूंगा ये आगे बढ़ जाएगा, आगे जैसे ही बढ़ेगा तो फिर कर 0.1% अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट हो, क्योंकि यहाँ होता नहीं था पहले। और दूसरे जो राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर ये सीटीआई कर लिया है एक्सपीरियंस के बाद, आपको सीधा लॉक करना है एप्लीकेशन। आप देखिए, आपने सारी जानकारी भर ली, ये आप छोड़ दीजिए, आप इस पे भी क्लिक कर रहे थे ना, आपने कुछ भी नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक आप पहुंच गए थे ना टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप इसमें कुछ भी मत कीजिए, आप डायरेक्ट लॉक एप्लीकेशन पे आइए, इसको आगे बढ़िए ही मत। जैसे ही लॉक एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आवेदन लॉक करने के बाद ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों समस्या क्या आ रही थी, लोगों को एक्सपीरियंस डिटेल पर क्लिक करते थे और वहां से नेक्स्ट करते थे। देखिए एक बार और बता देता, आप यहां से नेक्स्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है आपकी, वो ऑब्जेक्ट वाली चॉइस फिलिंग वगैरह की। तो ये प्रॉब्लम से हमें कुछ लेना देना है नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं है, वहां जाना ही नहीं है आपको। जैसे आप बैक होकर यहाँ आ जाते हैं, तो आप अपने आवेदन को क्या कर दें, लॉक कर दें। ये दोस्तों वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत समस्या आ रही है। दूसरे जो चैनल वाले वीडियो हैं वो भी वहां पर भी शायद वो सही से इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे समस्याएं आ रही। अब देखिए, मैंने चॉइस लॉक कर दिया है ना, मेरी प्रोफाइल अब कोई से भी चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए आप, जैसे ही मैं लॉक करता हूँ, लॉक करने के बाद आप देखिएगा ये दो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं लॉक एप्लीकेशन के नीचे, रजिस्टर्ड चॉइस, रजिस्टर चॉइस पे आप क्लिक करेंगे। देखिएगा मैं पूरा बता देता हूँ आपको, रजिस्टर चॉइस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये अभी अभी वो क्या कहते हैं, अभी ये थोड़ी देर लगेगी इस चीज को। अब आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो यहां पर चॉइस आ जाएंगी, तो आप इन चॉइस को, सर्वर में कुछ समस्या रहती है तो सर्वर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ने देती है, तो हमें इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी, करेंगे इस चीज को ध्यान रखेंगे आपको। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप क्या करेंगे, ये अगर इस तरह की समस्या आपको बार बार आती है तो आप क्या खोलेंगे, एमपीडीटी खोलेंगे। क्या खोलना है आपको, मैं एक और वेबसाइट बता देता हूँ, तो आप mpdt.nic.in अगर लॉग इन करेंगे तो उस साइड आप देख लीजिएगा, ये जो देख पा रहे हैं ना, क्या डालेंगे, mpdt.nic.in, ये डालेंगे आप, इससे फिर चॉइस फिलिंग कर लेना है। ठीक है, तो अब चॉइस फिलिंग के टाइम पे क्या बेस क्वालिफिकेशन पूछेगा आपसे, बेस क्वालिफिकेशन आपने ज्यादा डाली है तो वो उस चीज को एक बार सिलेक्ट करने का बोलेगा। ये बटन अभी अभी एक्टिवेट हुई है,
और मैं एक और चीज आपसे शेयर करूंगा, आपके जो ये जो वेबसाइट है इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन वहां दिए हुए हैं, एलिजिबल अगर बटन पर क्लिक करते हैं तो। काफी लोगों की ये क्वेरी आ रही है जो स्टेनोग्राफी है, स्टेनोग्राफी में अभी क्वालिफिकेशन की समस्या आ रही है कि क्या क्या है। अभी देखिए अगर एक्सपीरियंस का लिखा हुआ है ये इस तरीके से नंबर में आपके पास, जैसे ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या मान्य रहेगा, पीजीडीसीए मान्य रहेगा। अब ये देखिए हिंदी, ये हिंदी और इसके लिए देखिए आप, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये जो दिख रहा है ना ये आप अच्छे से समझ लीजिए। या इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि हमने हमारे पास ये है तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये आप देख लीजिए, ये आप यहाँ पूरा देख पा रहे हैं, ये लाइन खींची, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक होना चाहिए, मतलब स्नातक की उसके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफी के साथ, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट मतलब चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो। इसके अलावा आईटीआई होना चाहिए और 100 वर्ड प्रति मिनट का भी उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो मान्यता प्राप्त विद्यालय से डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, आईटीआई, इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए उसके पास, या तो डी हो जाए। तो ये था वीडियो के माध्यम से, और ये आपका जो नोटिस मैंने जो अभी निकाला है, मैं ये नोटिस भी बता देता हूँ आपको, नोटिस कहाँ से देखना है वो, ये आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं ऑर्डर में, ऑर्डर में आप इस पर क्लिक करेंगे इस वाले उस पर, तो आपको वही का वही आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत